व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अमरीका लई भारत ते पाकिस्तान नाल संबंधां दी अड्डो अडरी अपनी जिहड़ी है अहमियत है। इस बंद जीरो सम गेम नहीं हन। इस बयान दे की डूंगे मतलब ने, सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहवांगे कि तुसीं नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा साहब दा बहुत बहुत शुक्रिया। देखो जदों तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर किया इस गल दियां क्यास राइयां भी सी और इस गल दे उत्ते जिहड़े अलर्ट एक्सपर्ट ने वो अपनी राय भी रखते सी कि अमरीका दी चीन नाल तां उही नीति जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दी है उन्होंने जारी रखनी है क्योंकि इकनोमिकल फ्रंट दे उत्ते भी चैलेंज है, मिलिट्री फ्रंट ते भी है और इसलिए ताइवान होंगकोंग जा ईवन सिंकियांग दे जिहड़े मुसलमाना दा इशू है, वीगर मुसलमाना दा, उन्हों अमरीका पूरा उभारदा रहा। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस दे उत्ते आंदिया ही गलबात की, पर इस दे उत्ते जिहड़ा वो कुछ चीज़ां जिन्हों कहिंदे ने वेट एंड सी के जम्मू कश्मीर दा मुद्दा जदों आर्टिकल 370 खत्म किया गया, सूबे दा वजूद खत्म किया गया, ज़ाहर है जो बाइडन ने भी कमला हैरिस ने भी इंडिविजुअली उस दे और कश्मीरियां दे मुढ़लियां आज़ादियां खोण दे उत्ते उन्होंने जड़ियां ने टिप्पणियां भी कीतियां, सख्त लाइन भी लई और इस भी कोई शक नहीं है कि कैंपेन दे दौरान जेड़ा पॉलिसी पेपर सी बाइडन वालों उस दे विच भी जिक्र सी इस सारे दा। सो इस गल बारे भी दिलचस्पी सी सब दी कि कश्मीर मुद्दे दे उत्ते की पहुँच होएगी और ख़ास तौर पर भारत वर्सिज पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहर है कश्मीर मुद्दे दे उत्ते भी कश्मीरी लोगों के नाल यही दो फरीक ने जां दो जड़े ने पार्टीज ने, फिर क्योंकि ये भी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि जिहड़ा फरवरी 2020 दे विच तालिबान और अमरीका का समझौता होया, पीस डील हुई है जिहदे थले मई दे शुरू तक सारे अमेरिकन ट्रूप जड़े ने सने नैटो दे उत्थों निकलणगे और जिहदे थले उहदे कुछ क्लॉज इंप्लीमेंट भी होए, हालां वायलेंस लगातार जारी रही है कि उहदे थले सिर्फ हुण 2500 US सोल्जर अफगानिस्तान च ने और ज़ाहर है कि ये समझौता जिस नूं भारत भी सैबोटाज करना चाहुंदा है प्लस होर भी जड़े वैसट जिहड़े अफगानिस्तान च अब्दुल्ला और अशरफ गनी वह भी नहीं चाहुंदे। सो एक गल तो जरूर आई कि इस मुद्दे दे उत्ते उन्हूं रिव्यू करन दी लाइन उन्होंने जरूर रख ली। हालांकि असी देख रहे हैं कि पिछले कल ही जिहड़ा है इन्हां दा जिसने पहला भी इस समझौता करवाण दे विच की रोल अदा किया अमेरिका का खास जिहड़ा एनवॉय है मिस्टर जलमे खलीलजाद वो जिहड़े ने काबुल पहुँच गया और उत्थे उन्होंने सीनियर अफगान ऑफिशल्स नाल और दूसरी गल की, फिर वो जड़े ने उस तो बाद उन्हें कतर जाना है और तालिबान दे रिप्रेजेंटेटिव्स उत्थे हुण दौर चल रहा उन्होंने नाल अफगान हकूमत और तालिबान और जड़े नुमाइंदे ने और ये सारे च जड़ा उन्होंने जलमे खलीलजाद है उन्हें यही कह कि डिवेलपमेंट ऑफ द पीस प्रोसैस एक्सलेटिंग द प्रोसैस एंड असैसमेंट ऑफ दोहा पीस एग्रीमेंट बाई US न्यू एडमिनिस्ट्रेशन वर मेन टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन और इस तो तालिबान ने बड़े खुल के इस दे उत्ते ये वार्निंग भी दिती है। उन्होंने कहा कि भाई देख लो तुसीं जे इनू ना मन्निया इस समझौते नू ते टुडे वी हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज ड्रोनस, वी हैव अवर ओन मिसल्स, दिस टाइम इफ द मुजाहिदीन रिज्यूम फाइटिंग द एनिमीज it would be something they have never seen before, they will wish the battlefield was like in the past. ए हुण तालिबान दा स्टाइल है, ए डिप्लोमेसी दा ही हुंदा है कि जदों तक तुसीं उन्हां नूं जंग दा मैदान दोबारा ना दिखाओ। उन्होंने कहा जी ठीक है तुसीं खत्म करना कर दिओ पर इस बार जंग पहलां वाली नहीं होएगी, साडे कोल टैक्नोलॉजी है, हुण असीं ड्रोन भी जिहड़ा इस्तेमाल करांगे, साडे कोल अपणियां मिसल्स भी ने, मिज़ाइल्स जिहनूं असीं कहिंदे हां और ये हुण तुसी देखना है कि भी तुसी साड़ी जड़ी नवी हाथ देखने ने जिथे ड्रोन और मिसाइल्स ने और जहाँ तुसी ये फुलफिल करना है। उन्होंने कहा भी अपना बोरिया बिस्तरा बनो जो तुहाडा हुण एक पासे क्योंकि अफगानिस्तान पीस प्रोसैस करवाण च भी पाकिस्तान ने प्रोमिनेंट रोल अदा किया और
इंप्लीमेंट भी ता ही होएगी जे पाकिस्तान फुली अपना वेट सुटेगा, क्योंकि बाकियों से तो तालिबान इतबार भी नहीं करते, उन्होंने भी पता है कि भाई कोई तो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए है, और पाकिस्तान का इंट्रस्ट भी है, हज़ारा स्क्वायर किलोमीटर बॉर्डर लगता उन्होंने, एक सूबा पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा पश्तून मेजोरिटी प्रोविंस है, जिन्हें कबीले दोनों पासे ने उन्होंने, और पाकिस्तान का तो वैसटिड इंट्रस्ट उस है ही है। हालां इमरान खान हुकूमत ने क्लीयर किया भी असी इंटरनल अफेयर दिलचस्पी नहीं रखते, बट सर्टनली दे वॉन्ट ए पीसफुल अफगानिस्तान। हूँ इस सारे नू देखते हैं, ये एक इंतजार सी कि अमरीका दी भारत वर्सिज पाकिस्तान की पहुँच होएगी, और पिछले कल जिहड़े यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, ज़ारा स्टेट डिपार्टमेंट फॉरन अफेयर नू कहंदे ने, उन्होंने स्पोक्सपर्सन ने मिस्टर नेड प्राइस, और अज जिहड़ी हेडलाइन भी है खबरां दी, और ये नेड प्राइस की स्टेटमेंट ही है कि यूएस सेज इट्स रिलेशंस विद इंडिया पाकिस्तान नॉट जीरो सम प्रोपोजिशन। हुण असीं पंजाबी च भी यही टर्म इस्तेमाल की है, हुण जीरो सम की हुंदा है कि भी एक रिलेशनशिप जिहदे च जे तुसीं एक दे नाल करदे हो एक चों ते दूसरे का नुकसान हुंदा है, ते जे तुसीं दूसरे दे नाल करदे हो तो पहले का हुंदा एंड जीरो हुंदा, तुसीं कोई गेन नहीं करदे। कि हुण ये देखण वाली गल है कि कोल्ड वॉर ईरा दे विच तां रिलेशनशिप सेम ही सी, जीरो सम सी, इंडिया जिहड़ा उह खुल के अलाई सी सोवियत यूनियन दा, और पाकिस्तान अलाइंड सी अमरीका दे नाल, इसलिए अमरीका अपने हथियार भी इधर वेचदा सी और वो इंट्रस्ट भी मोनीटर करदा सी जां उहदे लई खलोंदा सी। हालां जदों लोड पई वेला आया 1971 च जदों भारत ने अपनी फौज ईस्टर्न पाकिस्तान दे विच भेजी, जिस नूं अज बंगलादेश कहिंदे ने, ते अमरीका दा जिहड़ा सैवंथ फलीट सतवां बेड़ा वो राह दे विच ही रह गया भी तुरिया होया तुरिया होया तुरिया होया। हालांकि इस दे उल्ट सोवियत यूनियन दे नाल जिहड़ा डिफेंस पैक्ट इंदिरा गांधी ने कीता सी उहदी शह दे उत्ते ही इंदिरा गांधी नूं पता सी कि भी ये जड़ा है मैनू जे कुछ अमरीकन इंटरवेंशन हुई तो सोवियत साडी पिट ते खलोणगे। सो वो जीरो सम ईरा सी कि तुसी किहदे नाल हो, हालां उदों भी भारत लाइन क्रॉस करदा सी किते नॉन अलाइनमेंट कढ लैंदा सी। हुण जिहड़ा इहदे मैं पहलां जिहड़े मिस्टर नेड प्राइस दे एग्जैक्ट कमेंट ने वो मैं डिस्कस करा, उन्हें कहा आई थिंक द पॉइंट वी वुड वॉन्ट टू मेक इट दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद इंडिया एज आई सैड बट आलसो विद पाकिस्तान, कि साढ़े इंडिया नाल भी चंगे ने और पाकिस्तान दे नाल भी। दीज रिलेशनशिप्स स्टैंड ऑन देयर ओन इन अवर व्यू, दे आर नॉट ए जीरो सम प्रोपोजिशन वैन इट कम्स टू यू एस फॉरन पॉलिसी मिस्टर। सो एक गल तो जाहिर है कि ये रिलेशनशिप जिहड़ी है वो जूनियर बुश के वेले जिन्हों डी हाइफनेटेड कहन लग गए, पहला तो यह भी उन्होंने ब्लॉक से फिर हो गया जी हाइफनेटेड है, जे इंडिया हथियार बेचे ने पाकिस्तान भी नू भी वह दोगे, जे पाकिस्तान नू दते ने इंदिरा इंडिया भी कहते प्रोटेस्ट भी करता सी ना दो। हुण इन्होंने कहा कि जी वी हैव प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिलेशनज एंड प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद वन डजेंट डिट्रैक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप वी हैव विद द अदर, इट डजेंट कम एट द एक्सपेंस एट द रिलेशनशिप वी हैव। वो जिवें शब्दों का मकड़ी जाल है कि उन्होंने नाल साड़ी दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि वो दुश्मनी है, तो वो दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि पहले नाल दुश्मनी है। उन्हें कहा जी वैन इट कम्स टू इंडिया वी हैव ए ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, साड़ी ग्लोबल है उन्होंने नालों, जिवें असी कहे भी चीन की होस्टिलिटी रखनी है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। वैन इट कम्स टू पाकिस्तान आई एड्रेस दिस द अदर वीक, वी हैव इंपॉर्टेंट शेयर इंट्रस्ट इन द रीजन, साडे इंट्रस्ट शेयर अफगानिस्तान में, एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली विद पाकिस्तानी अथॉरिटीज ऑन दोज शेयर्ड इंट्रस्ट ही सैड, कि जी असी करते रहेंगे। हाँ नाल दी नाल उन्हें कहा जी असी भारत नूं $20 billion के एडवांस्ड आर्म्स जिहड़े ने उन्हां दी ऑफर कीती है, हुण हथियार भी वेचणे ने अल्टीमेटली, वड्डियां इन्हां ताकतां दी जिहड़ी सारी खेड है उही है। और कश्मीर दे मुद्दे ते जदों उन्हूं पुछया गया उन्हें कहा जी US वेलकम्स रिटर्न्स टू नॉर्मैलसी इन कश्मीर, कि भारत ने जिहड़े स्टैप ले ने कुछ जिवें इकोनॉमिक और पोलिटिकल नॉर्मैलसी दे, सो एज आई थिंक वी हैव सैड फ्रॉम दिस रूम बिफोर एज ए गवर्नमेंट सर्टनली एज द स्टेट डिपार्टमेंट वी कंटिन्यू टू फॉलो
द डिवेलपमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर क्लोजली. उन्हें कहा जी असी अख रखी हुई है जम्मू कश्मीर की चल रहा है. अवर पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू इट हैज़ नॉट चेंज के कोई असी पहले नालों बदली नहीं है. असी स्टेप वेलकम करते हैं टू रिटर्न द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू फुल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल नॉर्मैलसी 4G मोबाइल सर्विस. बट उन्हों जो पूछया गया कि भी जेडे सैकटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने जो मोदी नाल गल की कि उन्हें कश्मीर का इशू रेज किया उन्हों वो गोल कर गया. उन्हें कहा जी तुसी रीड आउट ऑफ देयर कॉल सेंग ही वुड नॉट वॉन्ट टू गो बियॉन्ड दैट के वो रीड आउट पढ़ लो की दिता है. हूँ जोड़ा रीड आउट भेजा इन्होंने जदों ब्लिंकन दे नाल एंटोनी ब्लिंकन नाल गा उदेज कश्मीर मैनशन नहीं सी. और नाल दी नाल उन्हें कहा जी कि वी कंटिन्यू टू सपोर्ट डायरैक्ट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड कश्मीर एंड अदर एरियाज एंड अदर इशूज ऑफ कंसर्न. सो कुल मिला के एक गल इस चो निकलती है कि होस्टिलिटी तो नहीं होएगी पाकिस्तान नाल. खुद भी इन्ने के वीक हो चुके ने. अफगानिस्तान इन्हों की दुख की रग भी है और जाहिर है कि पाकिस्तान और चीन की रिलेशनशिप जिस किस्म की होर भी डिवेलप हुई है हूँ जोड़ा इन्हों का सी जी एड तो पहले ही बंद की हुई है फौजी मदद भी उदे नाल कोई पाकिस्तान की सेहत पर असर नहीं होया. सो ये चाहणगे कि भी दोनों हथियार भी इंडिया नू बेची जाण चीन दे अगेंस्ट भी पर वह भी चीन ने बंदे का पुत्र बना लिया. उन्हें भी हुण तुसी देखोगे कि भी ये क्वैड और दूजे तीजे दे थले को बहुत ही एक्टिविटी नहीं होएगी. और पाकिस्तान नू फेवर करन लई जिहड़ी इन्हां ने फाइनैंशियल टास्क फोर्स बनाई हुई है जिहदे थले अगेन 4 महीने लई ग्रे लिस्ट रखे तो पाकिस्तान नू ये जिहड़ा कि जी तुहानू कोई नहीं कढ दिंदे आ ग्रे चों ब्लैक च नहीं जाण दिंदे और कुछ ना कुछ जिहड़ा साडे वल भी तुसी निगाह करो. सो कुल मिला के और कश्मीर के मुद्दे पर मैनू नहीं लगता कि भी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कोई इंडिया से ये प्रवेल करे कि जी तुसी जिहड़ा है वो उस सिचुएशन पहला जाओ और दूसरा होए. हाँ वो ये कहणगे कि इंडिया पाकिस्तान और जिहड़े पुरानियां इन्हां दियां थ्यूरियां कि जी जिहड़ा LOC है उन्हूं परमानेंट बॉर्डर मान लो इंडिया और पाकिस्तान का जो तुहाडे कोल है तुसी रखो इधरला इधर रखो. चीन ने तो 1959 LAC बना ही लिया. इस किस्म की लाइन के उत्ते अमरीका जड़ा इंडिया ते प्रवेल करेगा क्योंकि अमरीका ये समझदा है भी लोंग टर्म उहदी हुण जिहड़ी कंपीटिटिव लाइन है वो चाइना नाल है और वो चाहेगा कि पाकिस्तान भी उहदियां गुड बुक्स च रहे और इंडिया तो उहदा कस्टमर बन ही गया होया. सो ये सारे चों स्टेट डिपार्टमेंट की पहुँच चो असी निचोड़ कढ़दे हां. बिल्कुल डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया. साथ रहने ब्रेक प्योर्स तो सानू इसे तरह ही बने रहना. मिलते हैं छोटे जे वक्त बाद.